हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉकेट स्टडी एजुकेशन चैनल रे आपण मानक स्वागत। मुझे आलोक आज आम देखा रिक्रूटमेंट टू पोस्ट ऑफ लेक्चरर इन OTET सर्विस कैडर जो 2017 क्वेश्चन पेपर ताकू मु फुली सॉल्व करी। यह हूँ जनरल नॉलेज रो क्वेश्चन पेपर। यह देखा पूर्व जो मैंने मो चैनल को एबे पर्यंत सब्सक्राइब करना वर्तमान सब्सक्राइब करनी एवं बेल आइकन को प्रेस करूँ ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको जपरि मिल पार एवं यही वीडियो को प्रथम लास्ट पर्यंत देखते अधिक अधिक सेयार करूँ। तेज चलत आरंभ करवा। फास्ट क्वेश्चन दे थिला द टर्म टीडी सैट रेफर्स टू, तो यार सठिक आंसर हम टीडी सैट हूँ एक ट्रिब्यूनल। देन सेकेंड क्वेश्चन को देखा हू मुटेड द आइडिया ऑफ फूड कूपन, तो यार सठिक आंसर हम मिस्टर कौशिक बासु। मिस्टर कौशिक बासु मुटेड द आइडिया ऑफ फूड कूपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नाबार्ड वाज एस्टाब्लीश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, तो यार सठिक आंसर हूँ शिवराम कमिटी। शिवराम कमिटी जी थे कि से नाबार्ड को रेकमेंड करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेशनल मिशन ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन वाज रेकमेंडेड बाय, तो यार सठिक आंसर हूँ सी रंगराजन कमिटी। सी रंगराजन कमिटी रेकमेंड करते मेथोडोलॉजी फॉर मेजरमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी भी आउ केलकर कमिटी जी कि रेकमेंड करते पीपीपी मॉडल आउ हेड करते विजय केलकर जहाँकि पीपीपी मॉडल हूँ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। आउ चक्रवर्ती कमिटी रेकमेंड करते सेटअप टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ मॉनेटरी सिस्टम ऑफ इंडिया, और गोल थिला इम्प्रूव मॉनेटरी रेगुलेशन दैट एनेबल प्राइस स्टेबिलिटी। आउ तो यार सठिक आंसर हूँ चार र नेशनल मिशन ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन वाज रेकमेंडेड बाय सी रंगराजन कमिटी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कलिंग वार वाज फॉट इन द ईयर, तो यार सठिक आंसर हूँ 261 बीसी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कटक सिटी वाज फाउंडेड इन द ईयर, यार सठिक आंसर हूँ 989 AD। आउ कटक सिटी को फाउंडिंग फादर थिले मरकत केसरी जेकि केसरी डायनेस्टी रो किंग थिले। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखा पाइक रिबेलियन वाज हेल्ड इन ओडिशा इन, तो यार सठिक आंसर हूँ 1870 रे पाइक रिबेलियन होता ओडिशा रे आउ यहा अंडर द लीडरशिप ऑफ बक्सी जगबंधुक द्वारा होता। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखा आइडेंटिफाई द पर्सन नॉट एसोसिएटेड विथ सत्यवादी पंचसखा, तो सत्यवादी पंचसखा रे जे माने थिले ताको ना थिला पंडित नीलकंठ दास, पंडित गोपबंधु दास, आचार्य हरिहर दास, पंडित गोदावरी मिश्र, पंडित कृपासिंधु मिश्र। तो एठारे मधुसूदन दास नथिले, तेणु यार सठिक आंसर हम ऑप्शन सी मधुसूदन दास। मधुसूदन दास एसोसिएटेड नथिले जे कि एसोसिएट नथिले सत्यवादी पंचसखारे, आउ समस्ते एसोसिएट थिले, तेणु ए बी डी एसोसिएटेड थिले सत्यवादी पंचसखा सहित आ मधुसूदन दास नथिले। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच वन इज नोन आज तुलसी क्षेत्र इन ओडिशा, तुलसी क्षेत्र ओडिशा रे कहा कहा जाए, तो यार सठिक आंसर हूँ केन्द्रापड़ा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच वन इज कनसीडर्ड आज ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, तो यार सठिक आंसर हूँ मेसोपोटामिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हू वाज द मास्टर ऑफ ग्रीक कॉमेडी, एठार सठिक आंसर हूँ मास्टर ऑफ ग्रीक कॉमेडी कहा जाए आरिस्टोफेन्स को। आउ आसीचेलेस जी थिले सी थिले फाउंडिंग फाउंडर ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी, हि वाज ऑथर ऑफ प्रोमेथियस बाउंड। आउ सोफोक्लेस थिले कंसीडर आज द ग्रेट ग्रेटेस्ट ग्रीक ट्रेजेडियंस। आउ फिलिप थिले फादर ऑफ अलेक्जेंडर। तो एठार सठिक आंसर हूँ मास्टर ऑफ ग्रीक कॉमेडी आरिस्टोफेन्स। मन रखियार अच्छी मास्टर ऑफ ग्रीक कॉमेडी इज आरिस्टोफेन्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखा वास्को डा गामा अराइव्ड इन इंडिया इन द ईयर, सठिक आंसर हूँ 1498। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखा
हु वाज द फास्ट टू सेल अराउंड द वर्ल्ड, तो यार सठिक आंसर हूँ ऑप्शन ए मेगालन। प्रथम देखिबा से किए थे आर पूरा ना कौन थिला, तो तांकर पूरा नाम थिला फर्दिनांद मेगालन। तो फर्दिनांद मेगालन वाज द फास्ट टू सेल अराउंड द वर्ल्ड। तांकर टॉपिकटा देखिदबा द फास्ट अराउंड द वर्ल्ड सेलिंग रेकर्ड फॉर द सर्कमनेविगेशन ऑफ द वर्ल्ड वाज जुआन सेबेस्टियन एलाकानो एंड द रिमेनिंग मेंबर्स ऑफ फर्दिनांद मेगालन्स क्रू हु कंप्लीटेड देयर जर्नी इन 1522। एबे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, हु वाज नोन एज मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन, तो एटारे सठिक आंसर होची मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन कुहंती बिस्मार्क को, तांकर पूरा नाम होची ऑटो फॉन बिस्मार्क। तांकु मैन ऑफ ब्लड कह जाउथला फ्रॉम हिज ग्रेट वार पॉलिसी पई, आउ आयरन कह जाउथला फ्रॉम हिज इंडोमिटेबल विल पई, जे कि मैनेज करथिले चांसलर चेयर ऑफ प्रुसिया एंड जर्मनी। तो एटा सठिक आंसर होची बिस्मार्क इज नोन एज मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, लैटेराइट सॉइल्स आर फॉर्म ड्यू टू, तो एटा सठिक आंसर होची कंटीन्यूअस लिंचिंग पई, तो एटा सठिक आंसर हम ऑप्शन बी लिंचिंग। लैटेराइट सॉइल्स आर फॉर्म ड्यू टू कंटीन्यूअस लिंचिंग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, व्हिच वन अमंग द लिस्ट टॉप्स यूरेनियम प्रोडक्शन, यूरेनियम प्रोडक्शन रे टॉप रे अछि कजाकिस्तान, तो एटा सठिक आंसर हम ऑप्शन ए कजाकिस्तान। देन नेक्स्ट पोजिशन अधिकार करछि कनाडा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, आस्थेनोस्फीयर इज लोकेटेड आट, तो आस्थेनोस्फीयर अछि बिलो लिथोस्फीयर, तो एटा सठिक आंसर हम ऑप्शन बी बिलो लिथोस्फीयर, आस्थेनोस्फीयर लोकेटेड बिलो लिथोस्फीयर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, व्हिच वन इज नॉट एन ओर, तो एटा देखिदबा कौन कौन ऑप्शन थिला, चालकोप्राइट स्फारेलाइट चिनाबार एंड्रेराइट, तो एटा सठिक आंसर हम एंड्रेराइट, जहाँ कि गोटे इग्नियस रॉक, तेणु अन्य समस्त ए बी सी जो ऑप्शन गुड़िक देछि से गुड़िक ओर, किंतु एंड्रेराइट गोटे इग्नियस रॉक, तेणु एटा सठिक आंसर हम एंड्रेराइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, हु इज कॉल्ड एज फादर ऑफ ज्योमेट्री, तो फादर ऑफ ज्योमेट्री होछन्दि यूक्लिड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, आल्बर्ट आइनस्टाइन वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर, एटा सठिक आंसर हम ऑप्शन बी लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पई, से 1921 पाइथिले नोबेल प्राइज, तो आल्बर्ट आइनस्टाइन 1921 लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक पई नोबेल प्राइज पाइथिले। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, व्हिच वन इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सनबर्न, तो एटा सठिक आंसर होची अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन, अल्ट्राभायोलेट रेडिएशन पई सनबर्न होइथाय। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, ए ट्रांजिशन फ्रॉम सॉलिड टू गैस फेज विथ नो इंटरमीडिएट लिक्विड स्टेज इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, व्हिच वन वाज द फास्ट इंडियन सैटेलाइट, तो फास्ट इंडियन सैटेलाइट थिला आर्यभट्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, व्हिच वन वाज द इंडियाज फास्ट न्यूक्लियर रिएक्टर, तो फास्ट इंडियाज फास्ट न्यूक्लियर रिएक्टर थिला अप्सरा, जहाँकि द रिएक्टर वाज डिजाइंड बाय भाभा एटमिक रिसर्च सेंटर बार्क एंड बिल्ट विथ आसीस्टांट फ्रम द यूनाइटेड किंगडम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, हु वाज वेनेरेटेड एज सेकेंड बुद्धा, तो सेकेंड बुद्धा कह जाए पद्मसंभव को, तो एटा सठिक आंसर ऑप्शन बी पद्मसंभव। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, टेम्पल ऑफ एमेराल्ड बुद्धा इज इन द कंट्री, सठिक आंसर होची थाईलैंड, आउ देखि नबा ता विषय किछि, व्हाट फॉर अ क्यू कॉमनली नोन एज इन इंग्लिश एज द टेम्पल ऑफ एमेराल्ड बुद्धा एंड ऑफिशियली एज द व्हाट फॉर अ सी रत्न सदर्शन सदरम, द टेम्पल इज फारानाखोन डिस्ट्रिक्ट द हिस्टोरिक सेंटर ऑफ बैंकॉक, बैंकॉक रो थाईलैंड रे टेम्पल ऑफ एमेराल्ड बुद्धा अछि, तेणु एटार सठिक आंसर हम थाईलैंड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, हु वाज द फास्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो एटार सठिक आंसर होची मौलाना आजाद।
ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ହୁ ସେଡ଼୍ ସ୍ୱରାଜ ଇଜ୍ ବାଇ ମାଇ ବର୍ଥ ରାଇଟ୍, ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ତିଲକ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ହୁଇଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଇଜ୍ କମ୍ପାଇଲିଂ ୱାର୍ଲ୍ଡସ୍ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାଡିସନାଲ୍ ନଲେଜ୍ ଡିଜିଟାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ, ତ ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଇଣ୍ଡିଆ। ଇଣ୍ଡିଆ କଣ୍ଟ୍ରି ଇଜ୍ କମ୍ପାଇଲିଂ ୱାର୍ଲ୍ଡସ୍ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ଜିସନାଲ୍ ନଲେଜ୍ ଡିଜିଟାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ହୁଇଚ୍ ୱାନ୍ ବିଲୋ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ କ୍ଲାସିକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ତ କ୍ଲାସିକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କୌଣସି ଏଇ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ ଯାହାକି ଆମେ ଖୋଜିବା। ତ ଏଠାରେ ମଲାୟାଲମ୍ ଗୋଟେ କ୍ଲାସିକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ଓଡ଼ିଆ ଗୋଟେ କ୍ଲାସିକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ତାମିଲ ଗୋଟେ କ୍ଲାସିକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, କିନ୍ତୁ ଭୋଜପୁରୀ ଗୋଟେ କ୍ଲାସିକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆନ୍ସର ହେବ ଭୋଜପୁରୀ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ହାଉ ମେନି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଆର୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ପରଫର୍ମ, ତ ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଇଲେଭେନ୍। ଇଲେଭେନ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଆର୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ପରଫର୍ମ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ରେଫର୍ସ ଟୁ, ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି GST। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ଦ ଅଡ୍ ୱାନ୍, ତ ଏଠାରେ ଦେଖିବାର ଅଛି ଅଡ୍ ୱାନ୍ କେଉଁଟା, ତ ଅଗରତଲା ହେଉଛି ତ୍ରିପୁରାର କ୍ୟାପିଟାଲ, ରାଞ୍ଚି ହେଉଛି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର କ୍ୟାପିଟାଲ, ଚେନ୍ନାଇ ହେଉଛି ତାମିଲନାଡ଼ୁର କ୍ୟାପିଟାଲ, କିନ୍ତୁ ଆହ୍ଲାବାଦ ନୁହେଁ ୟୁପିର କ୍ୟାପିଟାଲ, କାରଣ ୟୁପିର କ୍ୟାପିଟାଲ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ତେଣୁ ଏଠାରେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ ସି। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ନେମ୍ ଦ ଟୁଏଲ୍ଥ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଟୁଏଲ୍ଥ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଥିଲେ ପ୍ରତିଭା ପାଟିଲ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ୱାଜ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ, ତ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ୱାଜ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ଅନ୍ 25th January 1950, ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପ୍ସନ୍ ସି 1950। 1950ରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହୋଇଥିଲା। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଦ ହେଡ୍ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ଅଫ୍ ୟୁନେସ୍କୋ ଇଜ୍ ଆଟ୍, ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ପ୍ୟାରିସ୍ ଫ୍ରାନ୍ସରେ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା CSIR ୱାଜ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ଇନ୍ ଦ ଇୟର୍ ଅଫ୍ 1942, ଆଉ 26 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1942 CSIR ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହୋଇଥିଲା। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ୱାର୍ଲଡ ୟୋଗା ଡେ ଇଜ୍ ସେଲିବ୍ରେଟେଡ୍ ଅନ୍, ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 21st June, ତ 38ର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପ୍ସନ୍ ସି ୱାର୍ଲଡ ୟୋଗା ଡେ ସେଲିବ୍ରେଟେଡ୍ ଅନ୍ 21st June। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ହୁଇଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ବିଲୋ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ବିମ୍ଷ୍ଟେକ୍, ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପ୍ସନ୍ ସି ପାକିସ୍ତାନ। ମିଆଁମାର ହେଉଛି ବିମ୍ଷ୍ଟେକ୍ର ମେମ୍ବର, ଥାଇଲାଣ୍ଡ ହେଉଛି ବିମ୍ଷ୍ଟେକ୍ର ମେମ୍ବର, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ହେଉଛି ବିମ୍ଷ୍ଟେକ୍ର ମେମ୍ବର, କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ ବିମ୍ଷ୍ଟେକ୍ର ମେମ୍ବର ନୁହେଁ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ପୋଖରାନ୍ ଟୁ ଟେଷ୍ଟ ୱାଜ୍ ହେଲ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ଇୟର୍ ଅଫ୍, ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 1998। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଚିଫ୍ କମାଣ୍ଡର ଅଫ୍ ଆର୍ମ ଫୋର୍ସେସ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଚିଫ୍ କମାଣ୍ଡର ଅଫ୍ ଆର୍ମ ଫୋର୍ସେସ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ହୁ ପ୍ରିସାଇଡ୍ସ ଓଭର ଜଏଣ୍ଟ ସେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ, ଏଠାରେ ପଚାରିଛି କିଏ ପ୍ରିସାଇଡ୍ କରନ୍ତି ଜଏଣ୍ଟ ସେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିସାଇଡ୍ସ ଦେଇଥିବ ସେଠାରେ ଆନ୍ସର ହେବ ସ୍ପିକର ଅଫ୍ ଲୋକସଭା, ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଡେପୁଟି ସ୍ପିକର ଅଫ୍ ଲୋକସଭା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜଏଣ୍ଟ ସେସନ୍କୁ ଡାକନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଏଠାରେ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଜଏଣ୍ଟ ସେସନ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ବାଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିସାଇଡେଡ୍ ଓଭର ବାଏ ସ୍ପିକର ଅଫ୍ ଲୋକସଭା, ଇନ୍ ଆବସେନ୍ସ ଅଫ୍ ସ୍ପିକର ଡେପୁଟି ସ୍ପିକର ୱାର୍କସ୍। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ଦ ଅଡ୍ ୱାନ୍, ତ ଏଠାରେ ଅଡ୍ ୱାନ୍କୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବାର ଅଛି। ଏଠାରେ ଚାରିଟା ରିଭର୍ ଦେଇଛି, ସେଥିରୁ ତିନିଟା ରିଭର୍ ହେଉଛି ଇଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋଇଂ ରିଭର୍ ଯାହାକି ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲରେ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ୱେଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋଇଂ ରିଭର୍ ଯାହାକି ଆରବିଆନ୍ ସିରେ ପଡ଼ିଛି, ତ କାବେରୀ ରିଭର୍ ପଡ଼ିଛି ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲରେ ଯାହାକି ଇଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋଇଂ ରିଭର୍, ଗୋଦାବରୀ ରିଭର୍ ହେଉଛି ଇଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋଇଂ ରିଭର୍ ଯାହାକି ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲରେ ପଡ଼ିଛି, କ୍ରିଷ୍ଣା ରିଭର୍ ଯାହାକି ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲରେ ପଡ଼ିଛି ଗୋଟେ ଇଷ୍ଟ ରିଭର୍ ଇଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋଇଂ ରିଭର୍, ତାପ୍ତି ରିଭର୍ ହେଉଛି ୱେଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋଇଂ ରିଭର୍ ଯାହାକି ଆରବିଆନ୍ ସିରେ ପଡ଼ିଛି, ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ତାପ୍ତି ରିଭର୍।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर ऑफ कैपिटल करेंसी एठारे रॉन्ग पेयर होची रोम लीरा कारण रोम रो करेंसी होची यूरो आउ लीरा होची टर्की रो करेंसी आउ रोम रो कैपिटल होची सॉरी रोम होची कैपिटल होची इटाली रो आउ एहर करेंसी होची यूरो जेहेतु एठारे रोम रो करेंसी लीरा लेखिची तेणु एठारे रॉन्ग पेयर हो रोम लीरा तो 44 आंसर हम ऑप्शन ए देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द वेन्यू ऑफ नेक्स्ट ओलंपिक गेम इज आर्ट यार सठिक आंसर हम टोकियो जहाँकि 2020 रे हम देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द फर्स्ट एशियन गेम्स वाज हेल्ड आर्ट यार सठिक आंसर हूँ न्यू दिल्ली 1951 रे हेइतिला देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेम द चेयरपर्सन ऑफ 15th फाइनेंस कमिशन तो यार सटीक आंसर होची एनके सिंह देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हाज लॉन्च्ड व्हिच होलिस्टिक प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन तो एठार सटीक आंसर होची समग्र शिक्षा तो 48 रो ऑप्शन सी हबो करेक्ट आंसर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हाज लॉन्च्ड व्हिच होलिस्टिक प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एठार सठिक आंसर होची समग्र शिक्षा देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा अमृतधारा वाटरफॉल इज लोकेटेड आट यार सठिक आंसर होची छत्तीसगढ़ अमृतधारा वाटरफॉल होची छत्तीसगढ़ रो आउ अमृतधारा इज ए नेचुरल वाटरफॉल लोकेटेड इन कोरिया डिस्ट्रिक्ट स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ इंडिया इन ओरिजिनेट्स एंड इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द हासदेव रिवर हुई इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी रिवर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा गांडे विजय 2018 इज ए यार सठिक आंसर होची मिलिटरी एक्सरसाइज ऑफ इंडियन आर्मी जहाँ कि रिसेंटली 2018 होता राजस्थान रे सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो थैंक्स फॉर वाचिंग